दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ये मखलूक या भेड़िया नमा जानवर की ये अपना शिकार कैसे करती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक नयाब और पुरसरार जानवर है। ये अजीबुल खलकत बल्कि एक मायर शिकारी होने की वजह से चोपा कैबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस हकीकत से भी इंकार नहीं कि माजी में बहुत सी ऐसी कहानियाँ लोगों के दरमियान जेर बहस रही हैं जो कि हकीकत पर मबनी ना सही मगर उनका मुमकिन में से होना बहरहाल दुरुस्त है। सदियों पहले हमें स्पेन की इलाकी कहानियों में एक ऐसी दिलचस्प मखलूक का जिक्र मिलता है जो कि अपने शिकार का सारा खून चूस लेती थी और अमूमी तौर पर यह भेड़ बकरियों का शिकार करती थी। चोपा कैबरा स्पेनिश जुबान का ही लफ्ज है जिसका मतलब है भेड़ बकरियों का खून पीने वाला जानवर। बहुत से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसका जिसम एक छोटे भेड़िए के कद के बराबर जबकि इसकी आंखें तेज रोशन और सुर्खी मैल होती थी। इसके सर से लेकर मुंह और दुम तक ग्रे कलर की लाइनें होती हैं जबकि ये कैंगरू की तरह अगली छोटी टांगों और तेज पंजों की मदद से छलांग लगाकर अपने शिकार पर हमलावर होता है। कहा जाता है कि ये अपने शिकार के गोश्त में सुराख करके इसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लेता है। इसको सबसे पहले 1995 में पोर्टो रिको में देखा गया जबकि बाजा चिली अब जनूबी अमेरिका समेत रूस और फिलिपाइन में भी इसकी मौजूदगी के शवाहद मिले हैं। चोपो कैबरा से मंसूब पहला वाकया जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करवाई ये था कि 1995 में पोर्टो रिको में 8 भेड़ों को इस हालत में मुर्दा पाया गया। इनके जिस्म पर किसी जानवर के दांतों का बना हुआ ऐसा जख्म था जिससे उनका खून निचोड़ा गया हो। और फिर इसी साल एक औरत मैडी लाइन ने बताया कि मैंने ऐसे एक जानवर के गोल को देखा जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में 150 जानवरों का शिकार करते हुए इनका खून पी लिया और ये वाकया पोर्टो रिको के गाँव में पेश आया और इसी मुनासबत से इसे वैम्पायर डी मोका का नाम दिया गया। बाद में इसी तरह के वाकये अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, ब्राज़ील और मैक्सिको में भी पेश आए। बिल्कुल इसी तरह शिकार होने वाले जानवरों का खून पिया गया था। जुलाई 2004 में टेक्सास में होने वाला एक वाकया जिसमें एक जरीफ फार्म के जानवर शिकार हुए थे वहां पर मौजूद लोगों ने एक छोटे भेड़ियानुमा जानवर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और इसकी शक्ल और मुनासिब बिल्कुल चोपा कैबरा जैसी थी। दोस्तों अप्रैल 2006 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के अखबार मॉस न्यूज लिखता है कि रशिया में ऐसे कई वाकये हो चुके हैं जिसमें किसी नामालूम मखलूक ने जानवरों का खून चूस लिया। इसी तरह रशिया के एक गांव में एक ही रात में 32 शितरमुर्ग और 30 भेड़ें चोपा कैबरा के जुल्म का शिकार हुई। एक और वाकये के मुताबिक किसी जानवर ने एक कार पर हमला किया जिसकी कमर पर ग्रे रंग की लाइनें मौजूद थीं और उस हमले में उस जानवर के तेज पंजों ने कार की बॉडी पर खराशें डाल दी और फिर खुद कार के नीचे आकर मारा गया। इसी तरह 2008 में टेक्सास में एक जानवर की तस्वीर सामने आई जो कि कद में कुत्ते से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन उसकी अगली टांगे पिछली टांगों की नस्बत छोटी थी और उन पर बाल भी नहीं थे। उसका कद 3 से 4 फीट था लेकिन जब ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता तो देखने में यूं महसूस होता था जैसे ये 10 से 12 फीट कद का हामिल कोई जानवर है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इससे कबल उन्होंने ऐसा कोई जानवर कभी नहीं देखा था। इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान के शहर सांगला हिल में भी पेश आया। रात के वक्त ये अजीब जानवर लोगों के घरों में छलांगे लगाता हुआ गायब हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का गुजार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।